मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। सुंबुल की अगर आर्मी है तो मेरी भी सेना है, दे लेंगे बाहर वो लोग एक दूसरे को जवाब। ये बात जो है शालिन बोलते हुए नजर आए टीना दत्ता से। काफी सारी चीजें जो है शालिन और टीना दत्ता को बताई गई है सोशल मीडिया की, बाहर की जो चीजें बताई गई है उससे ये दोनों हिल चुके हैं, जिसके बाद टीना दत्ता काफी सारी बातें जो है करती हुई शालिन के सामने नजर आई है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार लड़ाई के बाद ये लोग क्या बातें कर रहे थे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साफ सी बात है भाई, शालिन को तो कोई पसंद नहीं करता है, और जो रहता है वीक ऑफ द बॉस, जो वो सब चीजें रहती कंपटीशन चलते हैं वहां पर, 1000 वोट जो है इस बंदे को मिलते हैं और ये बंदा बोलता है कि भाई मेरी सेना है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसको प्यार करते हैं, इसकी पर्सनालिटी को प्यार करते हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर शालिन को, शालिन के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और मुझे वो बंदा पसंद नहीं है जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है, जिस तरीके से एक लड़की का यूज कर रहा है घर में। वहीं पर जो है घर में काफी ज्यादा लड़ाई हुई जिसके बारे में जानकारी हमने बताई है। आप लोगों ने प्रोमो भी देखा है कि शालिन काफी ज्यादा भड़के हैं और वहीं पर टीना जो है काफी ज्यादा भड़की है सुंबुल पर। उसके बाद जो है ये दोनों बात करते हुए नजर आए, ये दोनों हिल चुके हैं। और जहां पर टीना दत्ता ने यह भी बात बोली है कि भाई जो चीज दिखेगी वही तो जनता बोलेगी, यही बात है कि भाई जो चीज दिख रही है वही तो जनता बोल रही है, तो आप किस चीज का गुस्सा कर रही हैं सुंबुल के ऊपर, और सुंबुल क्यों आपके पास आ रही है? सुंबुल तो आपके पास आ नहीं रही है, सुंबुल ने तो बोल दिया कि भाई मैं कहां आई थी आपके पास। और जनता भी बोलती है कि सुंबुल कभी नहीं जाती है शालिन के पास, जब शालिन के पास जाती है ठीक है, पर जब सुंबुल दूरियां बढ़ाती है तब शालिन खुद आते हैं उसके पास और अपने चंगुल में फंसा लेते हैं सुंबुल को। इसी दौरान ही शालिन जो है, टीना जो है काफी ज्यादा डरी हुई है। टीना बोल रही है शालिन को कि मैं तुम्हें बोलती थी तुम इससे दूर रहो, तुम फिर भी इसके पास जाते हो, देखा अभी क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर भी आ रहा है, ये सब चीजें, हमें इससे दूर रहना चाहिए, फिर भी तुम दूर नहीं रहते। जहां पर शालिन काफी ज्यादा टेंशन में है, शालिन का कहना यह है कि अगर इसकी आर्मी है ना तो मेरी भी सेना है, तुम्हारे भी फैन है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, वो लोग बाहर बहुत अच्छे से जवाब दे देते हैं, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं काम हूं, मैं आराम से हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई है, मैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल हूं, मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बातें जो है शालिन टीना के साथ करते हुए नजर आई हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि शालिन की जो सेना है वो एक्चुअली में हरा देगी सुंबुल की आर्मी को और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है? इतनी सेना है क्या सुंबुल की, बताइए, इतनी सेना है क्या शालिन की, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।